Hello everyone, this is Swati Srivastava. Today I am going to discuss the pedagogy of science unit 3rd. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब कितने भागों में टीचिंग मेथड्स को डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड क्या होता है, टीचर को किस किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए अपना लेसन बनाते वक्त और कौन कौन से फैक्टर पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे जो दो क्लासिफिकेशन है, एक है टीचर सेंटर्ड मेथड मतलब शिक्षक केंद्रित विधियां और दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बाल केंद्रित विधियां। दो क्लासिफिकेशन है मेथड्स के, पहला हमने बताया टीचर सेंटर्ड मेथड और दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। अब ये दोनों मेथड है क्या, टीचर सेंटर्ड क्यों कहा गया है और चाइल्ड सेंटर्ड क्यों कहा गया है। पहले हम देखते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, फिर हम डिफरेंस बताएंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्या होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स में आता है हमारा लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन और हिस्टोरिकल मेथड। मतलब लेक्चर मतलब व्याख्यान विधि, डेमोस्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मतलब व्याख्यान एंड प्रदर्शन विधि और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक विधि। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना विधि, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके समस्यात्मक जो चीजें डिस्कस करते हैं वो आ गया, ह्यूरिस्टिक मतलब डिस्कवरी मेथड खोज करके जो करते हैं, तीसरा लेबोरेटरी मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि। अब हम पहले टीचर सेंटर्ड मेथड की बात करते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड वो होता है जिसमें टीचर एक्टिव रोल में होता है और स्टूडेंट्स पैसिव रोल में होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है क्लास। क्लास में क्या होता है, जब टीचर आता है तो वो लेक्चर देना शुरू करता है, पढ़ाना शुरू करता है, तो वहां हमको देखने को मिलता है कि टीचर एक्टिव मोड में रहता है और बच्चे बैठ करके सुनते हैं, बच्चे उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं ना बच्चे का उसमें कोई पार्टिसिपेशन होता है। इस मेथड को हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड जिसमें टीचर का एक्टिव रोल होता है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जस्ट अपोजिट है टीचर सेंटर्ड मेथड का। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में होता है कि चाइल्ड एक्टिव रोल में होता है और टीचर पैसिव रोल में होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी मेथड। उसमें क्या होता है, बच्चा खुद प्रैक्टिकल करता है यानी वो एक्टिव होता है, वो चीजों को करता है और टीचर उसको ऑब्जर्व करता है। ये दोनों में डिफरेंस है टीचर सेंटर्ड मेथड में और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो NCF जो हमारा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो टीचर सेंटर्ड मेथड पे ज्यादा फोकस करता है कि वो ये कहता है कि जो एजुकेशन होना चाहिए बच्चों का वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो होता है उसमें बच्चे खुद करते हैं और जब बच्चा खुद करेगा तो वो ज्यादा सीखेगा, उसका कोई पैसिव रोल नहीं होना चाहिए। ये दोनों मेथड्स हो गए, दोनों डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि लेक्चर मेथड में क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, हिस्टोरिकल में क्या होता है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है और लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है। आज का जो हमारा होम असाइनमेंट है वो है राइट डाउन द 10 डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोचेज।